अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट से अपने रोल नंबर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने वेबसाइट पे एक एड्स चलाया है, ज़रूरी इतला तमाम उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि आइंदा पब्लिक सर्विस कमीशन तहरीरी इम्तिहान के लिए आपको बजरिए कॉल लेटर इरसाल नहीं करेगा। किसी भी तहरीरी इम्तिहान के लेटर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट kppsc.gov.pk से हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी गूगल क्रोम में जाइए या किसी भी वेब सर्च इंजन पर जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए kppsc.gov.pk। इसके बाद इंटर का बटन प्रेस कीजिए। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने ये पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट आ जाएगा। इसमें आप ई लेटर पे आइए। ई लेटर के मेन्यू पे आने के बाद एबिलिटी टेस्ट लेटर पे क्लिक कीजिए। एबिलिटी टेस्ट पे लेटर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरी वाइज लिस्ट आ जाएगी। इसी लिस्ट में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई की हो इसी पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा पोस्ट है मेल लेक्चर के मेसेज। तो यहाँ पे मैं मेल लेक्चर केमिस्ट्री एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सर्च बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप वैलिड सीएनआईसी लिख सकते हो, यानी आप सीएनआईसी के जरिए आपने कॉल लेटर को ढूंढ सकते हो और नंबर को ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1017 0। इसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम, फादर नेम और डिटेल, तो आप डिटेल के मेन्यू पे क्लिक कीजिए। रिपीट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको एक और विंडो आ जाएगी जिसमें आपका रोल नंबर, यही है आपका रोल नंबर, यहाँ पे है रोल नंबर 16103, हॉल एड्रेस, टेस्ट डेट, टेस्ट टाइम, ड्यूरेशन, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप इसी को प्रिंट भी कर सकते हो Ctrl+P। कंट्रोल प्लस पी दबाने से आपके सामने एक और मेन्यू आ जाएगा। तो यही है रोल नंबर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद नहीं होगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जाने को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।